प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीराबा पर तो जान न्योछावर करते ही हैं, लेकिन आज अपने जन्मदिन पर माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेना भी वो नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह से सरदार सरोवर बांध पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर डैम के पूरा भरने के मौके पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। और हम आपको बता दें कि इस समय बांध में जो पानी है वो अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। मानो जो पानी है, जो जल है नर्मदा का, वो भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ऊपर उठा हुआ है। जो पानी है, जो जल है नर्मदा का, वो भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ऊपर उठा हुआ है। मीडिया में आने के बाद भी किसे फर्क पड़ा कि सरदार सरोवर बांध में पानी भरना शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश के 178 गांव डूब गए। पानी भर रहा था गुजरात में, गांव डूब रहे थे मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री पत्र वत्र लिखने की औपचारिकता पूरी करते रहे केंद्र को, मगर गांव का डूबना रुक नहीं पाया। खापर खेड़ा में रंजना हीरा लाल गोरे के घर में पानी भरा, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, ये आम आदमी है, देख लीजिए। किसी तरह निकाला गया लेकिन उनका घर तब तक डूब गया। परिवार कहता है कि अभी तक पुनर्वास का अनुदान नहीं मिला, कहां जाएं। चिखलदा में वाहिद भी बिखर गए। वो एक आपने हिंदू रंजना की कहानी सुनी, अब वाहिद मुस्लिम की कहानी सुन लीजिए। देखते देखते वाहिद के घर का सारा डूब गया। मेधा पाटकर लड़ रही थी, मेधा पाटकर को मीडिया जानता है, फिर भी अब उनकी लड़ाई को दिखाने लिखने की औपचारिकता मीडिया नहीं करता है। नर्मदा नदी में आए पानी के स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा आरती भी की। अपनी पूजा में पीएम मोदी ने देश की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। अपनी पूजा में पीएम मोदी ने देश की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। लेकिन 170 से अधिक गांव डूब गए, किसी को फर्क नहीं पड़ा, ये बेस्ट बात है। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है। पानी हमारे घरों तक पहुंच चुका है लेकिन सरकार हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। महात्मा गांधी की तरह मोदी भी सबसे पहले सबसे गरीब आदमी के भलाई के बारे में सोचते हैं।